भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी मेडिटेशन करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, इटर्नल पीस चाहते हैं, आंतरिक शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए। भीतर से हम पूर्णता की अनुभूति करें, इसके लिए जरूरी है ध्यान की साधना। ध्यान का अभ्यास करने से पहले हमें योग के मूलभूत सिद्धांतों का आचरण करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, यमन यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टवा योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ज्ञान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इनसे योग पूरा होता है। अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः शौच संतोष तपस्वाध्यायेषु पुनिधानानि नियमाः। अहिंसामय सत्यमय अस्तेयमय ब्रह्मचर्यमय अपरिग्रहमय जीवन जीना पड़ेगा। शौच संतोष तपस्वाध्यायेषु पुनिधान पूर्वक हमें आचरण करना पड़ेगा। तपस्वाध्यायेषु पुनिधान को क्रिया योग भी का महर्षि पतंजलि ने तपस्वाध्यायेषु पुनिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ जैसे समाधि की प्राप्ति होती है और क्लेश धीरे धीरे तनु और अंततः दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के जैसे रोग होने की संभावना रहती है, ऐसे हमारे चित्त में अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये 5 क्लेश या तो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं या तो विच्छिन्न अथवा उदार अवस्था में होते हैं। योगाभ्यास से इनको तनु और अंततः दग्ध बीज किया जाता है। हर एक के भीतर पंचक्लेश पंचक्लिष्ट वृत्तियाँ अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन पंचक्लेशों की तरह ही प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूपी क्लिष्ट वृत्तियाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 विकार सबके मूल में अविद्या है, ज्ञान है। समाधि योग से क्रिया योग से अष्टांग योग से ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग हठ योग से सभी प्रकार के योग के अभ्यास हमारे विकारों का क्षय करते हैं। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवभ्यः। योग का अभ्यास करके हम अपने शरीर इंद्रिय और मन पर नियंत्रण पाते हैं, अपने भीतर की स्वाधीनता पाते हैं, सब प्रकार की दुर्बलताओं से पराधीनताओं से कमजोरियों से मुक्त होते हैं और अपने भीतर की पूर्णता में अपने निजता में अपने मूल स्वरूप
अपने मूल स्वभाव में, अपनी मूल चेतना में, जहाँ ज्ञान की परिपूर्णता है, प्रेम करुणा वात्सल्य की परिपूर्णता है, सब प्रकार के सुख की, शांति की और सब प्रकार के ऐश्वर्य की, सब विभूतियों की पूर्णता है। भगवान ने हमें सब प्रकार की पूर्णता दी है। योग शित वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था अभ्यास वैराग्य अभ्यम निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशिकार संचय वैराग्य। सब प्रकार के राग द्वेष से, सब प्रकार के अज्ञान अविद्या से और अज्ञान अविद्या जनित सब दोषों से और दोष युक्त प्रवृत्तियों से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो अपने स्वभाव से जुड़ जाते हैं। हमारा मूल स्वभाव ही है पूर्णता, दिव्यता। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यम नियमों का पालन करके हम आचरण की शुचिता को प्राप्त करते हैं, आसन करके देह में लघुता आरोग्यता दिव्यता अर्जित करते हैं, प्राणायाम करके अपने शरीर इंद्रिय और मन के दोषों को दग्ध करते हैं, प्रत्याहार करके अपने मन को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को विषयों से रोकते हैं, धारणा करके किसी आंतरिक बिंदु पर अथवा बाह्य बिंदु पर धारणा करके हम अपने मन में जो अपरिमित शक्ति सन्निहित है, चारों वेदों का ज्ञान, सारी दिव्यता भी तो इस मन में है। यस्मिन् रिचस्साम यजोंस यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्ति। देशबंधस्य तस्य धारणा, अपने चित्त को एक स्थान विशेष पर टिका देते हैं। आज्ञा चक्र में, सहस्रार में अथवा हृदय चक्र में मन को टिका दिए, मणिपुर चक्र में, नासिकाग्र पर, श्वासों पर ओंकार अथवा गायत्री की जप में मन को टिका दिया। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ईश प्रणिधानात्। वह परमात्मा जो सबका नियंता है, सबका रचयिता है, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सृष्टि का कर्ता, नियंता, संहर्ता, सबका आधार, सबको बनाने वाला परमात्मा जिन तत्वों से इस सृष्टि को बनाता है और सब में सब प्रकार की पूर्णता देता है, जिन तत्वों से बनाता है वो प्रकृति और जिनके लिए बनाता है वो हम सब आत्मा है। परमात्मा, प्रकृति और आत्मा, बस ये तीन ही तो सत्य हैं इस पूरे अस्तित्व में। इनको लेकर के कोई भ्रांति ना हो अपने मन में, कोई भटकाव ना हो अपने मन में, और सर्वत्र एक ही ब्रह्म ही की तो महिमा है। तो देश बंध चित्त से धारणा, आज चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में भगवान की महिमा को अनुभव करना ये धारणा, और भगवान की महिमा को अनुभव करते करते भगवान के साथ हम एकाकार होता है, तादात्म्य भाव से प्रभु सत्ता के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है। भगवान के साथ ही तादात्म्य, एक रूपता, एकत्व, भगवान में ऐसी तल्लीनता, जैसे यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रेऽस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमपैति दिव्यम्। जैसे नदियां सिंधु की ओर बहती हुई सागर में गिर के सागरमय हो जाती, विराट में, असीम में, अनंत में समाहित हो जाते, ऐसे हम सब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाए, ये ध्यान है। इससे आगे की और एक ऊंची स्थिति है समाधि, और इस समाधि में भी संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, माने इस पूरे अस्तित्व में भगवान की महिमा को अनुभव करना, ये संप्रज्ञात समाधि है।
ये भगवान की सगुण साकार उपासना है। सब मूर्त रूपों में भगवान की ही अमूर्त शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य महिमा को अनुभव करना, मूर्त में अमूर्त को, व्यक्त में अव्यक्त को, दृश्य में अदृश्य को, प्रत्यक्ष में परोक्ष को, ज्ञात में अज्ञात को, सगुण साकार में निर्गुण निराकार ब्रह्म को, इस सारी सृष्टि में सृष्टा को, माया में मायापति को, इस ब्रह्मांड में ब्रह्म को अनुभव करना, ये ध्यान और समाधि का पूर्व रूप है। मूर्त रूप में भगवान को अनुभव करना इस पूरे अस्तित्व में, और इसके पीछे जो अमूर्त रूप है, जो अनंत है, असीम है, विराट है, अथाह, उसके साथ एकाकार होना, इसी को स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते। अष्टांग योग का पालन करके, यम नियमों से अपने आचरण में शुचिता ला करके, आसन से अपने देह में दिव्यता ला करके, प्राणायाम से अपने मन में, चित्त में, अंतःकरण में पवित्रता ला करके, इंद्रियों का, मन का निग्रह करके, जब हम भगवान के साथ एकाकार होते हैं, तब एक ही भगवान की महिमा में चारों ओर अनुभव में आते हैं, पिंड में ब्रह्मांड। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो भगवान को सब में देखता है और सब कुछ को भगवान में देखता है, उसके लिए भगवान एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होते। विष्णु कर्माणि पश्यत है, वेद भगवान कह रहे हैं चारों ओर देखो तो सही, जो व्यापक प्रभु है सृष्टि के कण कण में, इस जगत के जर्रे जर्रे में, विष्णु कर्माणि पश्यत है, यथो प्रतानि पश्यसि, भगवान की नियंत्रण में ही तो ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाया विश्व। सारा ब्रह्मांड भगवान की उपासना कर रहा है, भगवान के विधान में जी रहा है, यूनिवर्सल लॉज में चल रहा है, स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित, और कितना दिव्य, कितना रहस्यपूर्ण, रोमांचक है पूरा अस्तित्व। यस्य भूमि प्रमांतरिक्ष मुतोदरम दिवम यश्री मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इधिलोक भगवान का सिर अंतरिक्ष लोक भगवान का धड़, पृथ्वीलोक भगवान के पैर है, पूरा अस्तित्व भगवान ही का मूर्त रूप है। ऐसे भगवान की महिमा में मस्त रहना, खो जाना, भगवान की स्तुति करते करते भगवान से अनन्य प्रीति हो जाती, भगवान के साथ हम एकाकार हो जाते हो, फिर अनुभव में आता है सारा ज्ञान भगवान का दिया हुआ, सारी प्रेरणाएं भगवान की, सारा प्रेम, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य भगवान का, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यह स्वाध्याय है, स्वाध्यायात योगम आसीत, ऐसे स्वाध्याय करते करते, भगवान की महिमा का चिंतन करते करते, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते करते, भगवान के साथ एकाकार हो जाते, भगवान की उपासना में, योग की त्रिवेणी में खो जाते, ज्ञान कर्म उपासना की त्रिवेणी, भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं, निःशब्द हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, निर्द्वंद्व, निर्वय, निर्भय हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, पूरी नीरा, पूर्ण भाव, ये योग की स्थिति। स्वाध्यायात योगम आसीत योगात स्वाध्यायम आमने स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। ये उपाय बताए महर्षि वेदव्यास ने, स्वाध्याय भगवान की महिमा, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की दिव्यता का चिंतन, और योग पूर्ण भाव पूर्ण, ऐसे बार बार हम जीते रहते हैं।
परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं। इसके लिए श्वासों का आलम बन नहीं सकते, किसी मंत्र का आलम बन नहीं सकते। सबसे बड़ा आलम्बन तो भगवान का ही है, माना कि कोई सत्ता के आलम्बन में जी रहा है, कोई संपत्ति के, कोई सम्मान के, कोई भौतिक सुखों के, कोई भौतिक संबंधों के आलम्बन में जी रहा है। इन सत्ता संपत्ति सम्मान भौतिक सुख और संबंधों के आलम्बन में भी भगवान को ही अनुभव करो। सारी सत्ता, सारी संपत्ति, सारे सम्मान, सारे सुख, सारे संबंधों के मूल में भगवान ही है, भगवान ही। ब्रह्म को सर्वोच्च स्थान पर रखना और हर पर भगवान के आलम्बन में जीना। एतद् आलम्बनम् श्रेष्ठम्, एतद् आलम्बनम् परम्, एतद् आलम्बनम् ज्ञात्वा स्वर्गलोके महीयते। भगवान का आलम्बन, भगवान के आलम्बन के लिए ओंकार का आलम्बन, गायत्री आदि मंत्रों का आलम्बन, श्वास लेते समय ओम का आलम्बन, श्वास छोड़ते समय ओम का आलम्बन सहज हो जाता। जो बहुत विवेकशील है, जिनमें ज्ञान की प्रखरता है, बहुत मेधावी है, वे ज्ञान के आलम्बन से भगवान के साथ एकाकार होते हैं। और जो बहुत कर्मशील हैं, वो अपने कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और सब कर्म करते हुए अनुभव करते हैं कि सब कर्म करने का ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य सब भगवान दे रहे हैं, तो उनका कर्म की पूजा बन जाता है। और सब कुछ करते हुए जो हर पल ही अनुभव करते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, प्रातः प्रभृति सायं अंत यत् करोमि जगन् माता तत् सर्वं तव पूजन प्रभु, मुझे अभी बहुत हो गया है कि सब ज्ञान आपसे है, सब सुख सारा ऐश्वर्य जीव जगत जड़ चेतन सब आपसे, ये ज्ञान योग। ऐसा ज्ञान जब हो जाता है, ऐसा बोध जब हो जाता है, जो हम करते हैं वो अकर्ता होकर के करते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचि, तो कर्म ही हमारी फिर प्रभु की भक्ति हो जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का आलम्बन, अष्टांग योग का आलम्बन, ओंकार का आलम्बन, ओंकार का आलम्बन, तस्य वाचक प्रणम तपस्तर्थ ओमित एकाक्षम ब्रह्म, ओम कम ब्रह्म, एक ओंकार सत्यम, ओम तत्सत प्रभो तेरा ही अश, भगवान की शरणागति। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान कर, श्वास ले रहे हैं तब ओंकार का ध्यान, श्वास छोड़ रहे हैं तब ओंकार का ध्यान, गायत्री मंत्र का ध्यान करना। ओम हे सर्वरक्षक, सर्वाधार, सर्वेश्वर, भू प्राण की प्राण, आप ही प्राण प्रदाता, जीवन दाता, भुआ सब दुखों के दूर करने वाले प्रभु, आपकी शरणागति से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी कामनाओं से, सारी अविवेकपूर्ण इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाता हूँ, पूर्ण काम हो जाता हूँ, आप तक काम, आत्म काम, ब्रह्म काम हो जाता हूँ प्रभु, भुआ आप सब दुख मेरे दूर कर देते हो, स्वाहा और सब सुखों के स्रोत तो प्रभु आप ही, सारा सुख जो इस समष्टि में है वो आपसे ही प्रभु, आप तो सुखमय हो, शांति में हो, आनंद में हो, ऐश्वर्य में हो, तत्सवितु हे सविता, सबकी उत्पत्ति करने वाले, सबके सृष्टा, सबके मूल, सबके आदि, सबके अंत, सबके नियंत्रण प्रभु, तत्सवितु वरेण्यम, आप का मैंने वरण किया है प्रभु, आपको स्वीकार किया है, आपकी शरण ली है प्रभु, अपनी शरण में रखना। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे बोला नहीं, हर पल तेरा वसन जी, भर्गह प्रभु सब क्लेशों को भस्म कर, सब वासनाओं को, सब विकारों को, सब द्वंद्वों को, सब दुखों को भस्म करो, भर्गह देवस्य धीमहि, प्रभु आपकी दिव्यता को धारण किए हुए प्रतिपल आपके अंग संग जियो, मैं हर पल आप में आपके अंग संग अपने आप को अनुभव करूं, और आप सदा मेरे पास हो। अंति संतम न जाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम ननु ममार न चेत,
यदंग दाससि त्वम् अग्निभद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम् अंगीरात् नमे भक्ता प्रणश्यति प्रभो आपकी शरण में रहो वासुदेव सर्वमीश वासिन देवस्य धीमे आपकी सब प्रकार की दिव्यता को आपकी दिव्य गुणों को दिव्य ज्ञान को दिव्य कर्म को आपके दिव्य प्रेम को सब प्रकार के दिव्यताओं को धारण करता हुआ जीव आपका सच्चा प्रतिनिधि होकर के प्रतिरूप होकर के जीव धियो बुद्धियों को यह परमात्मा ना हमारी प्रचोदया प्रभु सनुवाद पर हमारी बुद्धि को चलाना एक क्षण के लिए हमारी बुद्धि में कोई विकार नहीं अंधकार ना है तमस ना है ओंकार अथवा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ओंकार और गायत्री मंत्र का इसे जप करना ओंकार और गायत्री मंत्र के अर्थ में तल्लीन हो जाना ओंकार और गायत्री का आलम्बन लेकर के अथवा बस एक भगवान का आलम्बन बहुत तो ही दो तुझसे ही सब कुछ है तेरा ही सब कुछ है तो ही हम सबका गंतव्य है देव पथ के पथिक हैं हम योग पथ के पथिक हैं हम ओम के हम हो चुके जितने विकारी पाश हैं भय मन व्याधि त्राश हैं सब मानसिक उपहास हम सजग हैं बस हो चुके व्याधियां तन की मिटी और उत्तराण सीमाएं कटी मन की निराशाएं मिटी सम मार्ग अपना जो चुके पावन त्रिवेणी धाम है स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है अध्यात्म में विश्राम है मलताप त्रय को धो चुके हैं अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में उस अजनाम अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं प्रभु तू ही तो ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्य उत्तरेण अधश्य ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठ ओम सर्वं करो इदं ब्रह्म ओम खं वासुदेव प्रभो आपको ही आगे पीछे दाए बाएं ऊपर नीचे चारों ओर आपके अंग से पीछे ऐसे ओम कार का जप करते गायत्री का जप करते अथवा बस भगवान की शरणागति प्रभु तेरी शरण ऐसे भगवान के साथ एकाकार होकर के जीना यही योग है यही ध्यान है यही समाधि है और इसी में जीवन का समाधान है ज्यादा लंबा ध्यान आप नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देर का ध्यान कर लिया करें खाली ओंकार का ध्यान किया सांसों का बस और अंदर से एक प्रार्थना प्रभु आपकी शरण हे मेरे परमात्मा मेरी आत्मा में जो हर पल आप प्रेरणा देते हो बस आपकी आज्ञा का अतिक्रमण न करो जिस काम को करने के लिए आप उत्साह देते हो उस काम को करो और जिस काम को करने से प्रभु आप रोकते उसको ना करो हमारे आत्मा में एक प्रेरणा उठती रहती है कोई भी हम काम करते हैं तो अंदर से एक पुकार उठती है जब हम गलत काम करते हैं तो भीतर की आत्मा में रोकती है आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा उठती है और जब सही काम करते हैं तो आत्मा साथ देती है बस भगवान के पर आगे बढ़े यही है योग का फल कि हम आत्मानुकूल आचरण करें वेदानुकूल आचरण करें आत्मा में जो परमात्मा की पुकार है बस उसी के अनुरूप जी यही 24 घंटे का योग है ऐसे थोड़ी देर ध्यान करें कि प्रभु आपकी शरण में रहो और फिर बस आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे वही करते जाना हर समय भगवान को शुक्रिया करना मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है करता है मेरा मालिक मेरा नाम हो रहा है मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है मेरा आपके कृपा से
सब काम हो रहा है। ऐसे हर पर प्रभाव प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, भगवान की महिमा का विचार करना, विचार करते करते स्वाभाविक रूप से अपने आप ही निर्विचार हो जाते, निर्बीज हो जाते, निर्भय निर्भय पूरी नीरवता में, पूर्ण मौन में चले जाते। यही है समाधि। देशबंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्मनिर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। व्याधि की समाप्ति हो, समाधि की सबको प्राप्ति हो, ऐसे भगवान के शरण में प्रार्थना। हम सब योग के मार्ग पर आगे बढ़े, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़े, समाधि के मार्ग पर आगे बढ़े, जीवन में सब प्रकार का समाधान पाए। ओम शांति शांति शांति।